सेटअप इन इंडिया एड पहला न्यूक्लियर रिएक्टर इंडिया में कहां पे लगाया गया था ठीक in है 36, है Kota, है इन इंडिया ए छत्तीसगढ़ बी कोटा सी है बॉम्बे डी है बेंगलुरु तो इसका राइट right आंसर क्या रहने वाला है है ऑप्शन नंबर सी ठीक पहला न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो बॉम्बे में लगाया गया था ओके तो इसका नाम क्या था वो हम आगे भी डिस्कस हम ऑलमोस्ट आज हमने यही डिस्कस करना है कि कौन सा न्यूक्लियर रिएक्टर पहला था कौन सा कौन सी जगह पर लगाया गया है कौन सा थर्मल पावर प्रोजेक्ट में कितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हमें थर्मल पावर से मिलती है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स थे ना थर्मल न्यूक्लियर हाइड्रो इलेक्ट्रिक में तो हमने वो आज इस वीडियो में जो है गैदर करके एमसीक्यूज लाए हैं ठीक है तो वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा बिकॉज ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहने वाली है तो फर्स्ट का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बॉम्बे ठीक है पहला न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो इंडिया में बॉम्बे में लगाया गया था सेकंड क्वेश्चन है वट इज़ द नेम ऑफ एशियाज़ फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर एशिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम क्या था तो ए है अप्सरा बी है विद्युत सी है उदायन और डी है क्रॉनिकल तो सेकेंड का राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर ए ठीक है जो पहला एशिया का न्यूक्लियर रिएक्टर था एंड इट वॉज ऑल्सो इंडियाज़ फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर ठीक है ये इंडिया का भी पहला न्यूक्लियर रिएक्टर था और ये इसका नाम क्या है अप्सरा ये अप्सरा जो न्यूक्लियर रिएक्टर है ये नाइनटीन हंड्रेड फिफ्टी सेवन में जो है ये सेटअप किया गया था अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू ठीक है जवाहरलाल नेहरू उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे 1957 में जो है पहला न्यूक्लियर रिएक्टर जो है एशिया का और इंडिया का अप्सरा जिसका नाम है वो सेटअप किया गया था ठीक है तो इसमें आपको काफी सारी चीजें इस क्वेश्चन में पता चली है कि पहला जो एशिया का फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर जो है उसका नाम है अप्सरा ये कब लगाया गया था सेवन में और तब जो है जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे लगाया गया था ठीक है उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू प्रेजिडेंट प्राइम मिनिस्टर थे थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज मेनली बिहाइंड जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट करने के लिए कौन सा प्रिंसिपल जो है वो यूज किया जाता है ए है कन्वर्शन ऑफ ग्रेविटेशनल एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी तो नो केमिकल एनर्जी का यहां पे कोई कंसेप्ट ही नहीं आएगा ठीक है तो ये तो गलत हो गया सेकेंड है कन्वर्शन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी मे बी ये हो सकता है थर्ड है कन्वर्शन ऑफ थर्मल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड फोर्थ है कन्वर्शन ऑफ ग्रेविटेशनल एनर्जी इंटू पोटेंशियल एनर्जी तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ठीक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो वही जो है हमारी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है उसको जनरेट करती है ठीक है तो थर्ड का राइट आंसर क्या रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी ठीक है बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ हाईएस्ट कैपेसिटी न्यूक्लियर रिएक्टर ऑफ इंडिया इंडिया का हाईएस्ट कैपेसिटी न्यूक्लियर रिएक्टर जो है उसका नाम क्या है ए है कुंडनकुलम बी है तारापुर सी है कल्पाकम डी है कायगा तो ए बी सी डी क्या राइट right आंसर रहने वाला है इसमें फोर्थ का ऑप्शन नंबर ए ठीक है कुंडनकुलम जो है ये हमारे इंडिया का जो है हाईएस्ट कैपेसिटी न्यूक्लियर रिएक्टर है ठीक है हाईएस्ट कैपेसिटी न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है कुंडकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट जो है है, ये कहां पे लोकेटेड है तमिलनाडु में ठीक है तो ये तमिलनाडु में है एट इज हाईएस्ट कैपेसिटी न्यूक्लियर रिएक्टर ऑफ इंडिया और इसका नाम क्या है कुंडनकुलम ठीक है तो फोर्थ का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अब यहां पे मैंने कुछ जो एटॉमिक पावर स्टेशन है ठीक है जो न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स हैं प्लांट्स हैं उनके नाम और जैसे स्टेट में जो है वो लोकेटेड हैं उनके नाम रखे हैं तो आपको मैंने अभी पहला जो है कुंडन कुलम का बताया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम जो है मैंने रखे हैं अगर आप ये सारे याद कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा कुंडन कुलम जो है ये कहाँ पर है तमिलनाडु में मैंने आपको बता दिया ठीक है एंड इट इज द हाइस्ट कैपेसिटी न्यूक्लियर रिएक्टर ऑफ इंडिया ठीक है ये भी हमने देख लिया सेकेंड है तारापुर न्यूक्लियर रिएक्टर ठीक है तो इसकी क्या स्पेशलिटी है तारापुर जो है ये महाराष्ट्र में है एंड ऑल्सो इट इज इंडिया का पहला पावर है राजस्थान तो पावर, पावर प्लांट है? है? है, है तो ऑब्वियसली राजस्थान में ही होना है फोर्थ है कायगा एटोमिक पावर प्लांट पे है कर्नाटका में फिर है कलपाकम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि तमिलनाडु में है फिर है नरोरा न्यूक्लियर उत्तर प्रदेश में और लास्ट है का एटॉमिक पावर प्लांट जो कि गुजरात में है ठीक है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट में आपको ये पहले दो जो है ना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपको याद होनी चाहिए क्योंकि तारापुर जो है ये पहला है और कुंडनकुलम जो जो है ये हाईएस्ट कैपेसिटी है ठीक है तो ये कुछ नाम थे मैंने सोचा कि इनको इंक्लूड कर लिया जाए अगर आपने नोट डाउन कर रहे हैं तो आप कर लीजिए तो आगे बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन है पर एटॉमिक पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन तो ये अभी अभी मैंने आपको बताया कि पर जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है तो मैं देखूंगी कि आप सबकी कितनी नॉलेज है तो सब कमेंट डाउन जरूर कीजिएगा आंसर ठीक है तो पर एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ पे है ए दिया है सरनी बी दिया है चेन्नई सी है गुजरात और डी है महाराष्ट्र तो फिफ्थ का राइट आंसर क्या होने वाला है ऑप्शन नंबर सी ठीक है ये कहाँ पे है गुजरात में है तो अभी हमने डिस्कस किया था कि काकरा पर एटॉमिक पावर स्टेशन जो है गुजरात में है मे बी ऐसा कोई क्वेश्चन आ सकता है ठीक है तो आपको ये नाम याद होने चाहिए कहाँ पे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट याद कर लीजिए तो सिक्स क्वेश्चन है इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इज ये अभी अभी मैंने डिस्कस किया आपके साथ कि इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे है और कौन सा है ठीक तो है तो ए दिया है तारापुर एटोमिक पावर स्टेशन बी है राजस्थान एटोमिक पावर स्टेशन सी है कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट डी है नरूरा न्यूक्लियर रिएक्टर तो सिक्स का राइट आंसर क्या रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए ठीक है तारापुर जो है ये इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है ठीक है और ये कहाँ पे है ये अभी मैंने आपको बताया ये कहां पे है महाराष्ट्र में ठीक है थीके? ये महाराष्ट्र में है, है और ये इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है तारापुर एटोमिक पावर स्टेशन तो सेवेंथ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पावर प्लांट इज अ प्लांट विच यूजेज नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करता है तो ए है थर्मल बी है विंड सी है हाइड्रो इलेक्ट्रिक डी है न्यूक्लियर तो इसमें डायरेक्टली आपका आंसर बनता है क्या ऑप्शन नंबर बी विंड ठीक है तो विंड ऐसा न्यूक्लियर पावर प्लांट है ठीक है जो कि सॉरी विंड ऐसा पावर प्लांट है जो कि नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है यूज करता है ठीक है वट परसेंटेज ऑफ टोटल इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस थर्मल पावर प्लांट जो है वो कितनी प्रोड्यूस है, करते हैं फिफ्टी परसेंट बी है एटी परसेंट सी है नाइनटी परसेंट और डी है सेवेंटी परसेंट तो इसका राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर डी ठीक है सेवेंटी परसेंट टोटल ऑफ जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी इंडिया में प्रोड्यूस होती है ना उसका सेवेंटी परसेंटेज जो है वो हमारे थर्मल पावर प्लांट से आती है ठीक है तो इसका राइट right आंसर क्या है एट्थ का ऑप्शन नंबर डी सेवेंटी परसेंट नाइन्थ क्वेश्चन है रमम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इज लोकेटेड इन तो मैंने आपको जैसे बताया कि न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ पे हैं हाइड्रो पावर प्लांट कहाँ पे हैं ठीक है थर्मल पावर प्लांट कहाँ पे हैं तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये आपको इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट नाम याद रखने पड़ेंगे ठीक है तो यहाँ पे पूछा है कि रमम जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट ये कहाँ पे लोकेटेड है ए दिया है दार्जिलिंग बी है गोवा सी है पंजाब और डी है असम तो नाइन्थ का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ठीक है रमम जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट ये है दार्जिलिंग में ठीक है तो नाइन्थ का ए आंसर है टेंथ क्वेश्चन है तुलबुल प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स तो तुलबुल प्रोजेक्ट से सब वाकिफ़ होंगे ठीक है ये हमारे कहाँ पे है जे के में है ठीक है इसमें ये पूछा है कि इनमें से कौन सा रिवर जो है उस पे लोकेटेड है तुलबुल प्रोजेक्ट ठीक है तो ए है रावी बी है जेलम सी है चनाब सी है सतलुज और डी है चनाब तो टेंथ का राइट आंसर क्या है ये सबको आंसर आना होना आता होना चाहिए तो टेंथ का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ठीक है जेलम में जो है जेलम रिवर पे जो है तुलबुल प्रोजेक्ट जो है वो लोकेटेड है हमारे जम्मू कश्मीर में ठीक है तो टेंथ का बी राइट आंसर है इलेवंथ क्वेश्चन अलमाती डैम इज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ठीक है अलमती जो है ये कौन से इनमें से से दिए गए कौन रिवर पे है ए है कृष्णा बी है कावेरी सी है नर्मदा और डी है गोदावरी तो इलेवंथ का राइट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर ए ठीक है कृष्णा जो है उस पे अलामती डैम जो है वो लोकेटेड है ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट है आपको ये नाम याद रखना है ठीक है तो टेंथ का सॉरी uh, इलेवंथ का राइट आंसर है ट्वेल्थ क्वेश्चन व्हाट इज द रैंक ऑफ न्यूक्लियर पावर इन टर्म्स ऑफ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया तो अभी हमने पहले जो है क्या देखा कि थर्मल पावर जो है थर्मल पावर प्लांट जो है वो कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं इंडिया में तो हमने वो देखा वो सेवेंटी परसेंट था अब यहाँ पे पूछा गया है कि जो न्यूक्लियर पावर है ठीक है उसमें से कितनी क्या रैंक है न्यूक्लियर पावर का एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया तो ए है फोर्थ बी है सिक्स सी है फिफ्थ और डी है एट्थ तो क्या रैंक है हमारे न्यूक्लियर पावर का तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी ठीक है फिफ्थ रैंक जो है होल्ड करता है न्यूक्लियर पावर इन टर्म्स ऑफ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया ठीक है तो ट्वेल्थ का सी राइट आंसर है थर्टीन क्वेश्चन है जियो एनर्जी इज बेसिकली विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एनर्जी जियो एनर्जी जो होती है वो कौन सी टाइप ऑफ एनर्जी होती है इनमें से ए e है रीन्यूएबल बी है नॉन रिन्यूएबल सी है कन्वेंशनल और डी है नॉन कन्वेंशनल तो इसका राइट right आंसर है डायरेक्टली ऑप्शन नंबर ए ठीक है ये सब गलत है रीन्यूएबल एनर्जी जो है ठीक है यही होती है हमारी जियो एनर्जी इट इज़ रीन्यूएबल एनर्जी ठीक है तो थर्टीन का ए राइट आंसर है फोर्टीथ क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज़ हाई पोटेंशियल्स ऑफ सोलर एनर्जी तो इन ऑप्शन में से आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी जो है इनमें से कौन सी स्टेट से प्रोड्यूस हो सकती है ठीक है कौन स्टेट में ज्यादा पोटेंशियल है सोलर ज्यादा सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने का तो ए है गुजरात बी है महाराष्ट्र सी है राजस्थान और डी है उत्तर प्रदेश आई होप ऑप्शन से ही सबको समझ आ गया होगा राइट आंसर इट इज ऑप्शन नंबर सी ठीक है राजस्थान जो है वही सबसे ज्यादा जो सोलर एनर्जी हमारे इंडिया में प्रोड्यूस होती है वो कहां से होती है राजस्थान से ठीक है तो इसका राइट आंसर फोर्टीन का है ऑप्शन नंबर सी फिफ्टीन क्वेश्चन एंड इट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टूडेज वीडियो अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे तो फिफ्टी क्वेश्चन है इन इंडिया लार्जेस्ट थर्मल पावर स्टेशन इज लोकेटेड एट इंडिया में लार्जेस्ट थर्मल पावर स्टेशन जो है वो कहां पे लोकेटेड है ए है चंद्रपुर बी है कोटा सी है सारनी और डी है नईवेली तो इसका राइट right आंसर क्या है इसका राइट right आंसर आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे या मैं चलो मैं आपको बता देती हूँ विल नॉट कीप इट अप टू यू बिकॉज काफ़ी स्टूडेंट्स फिर बोलते हैं कि मैम आप आंसर नहीं बताते और हमें राइट right आंसर पता नहीं लगता है मैं इसलिए ये चीज़ आप पे छोड़ती हूँ कि आप गूगल करके अगर खुद से ढूंढ के या अगर आपको आता है तो आप लिखेंगे तो काफ़ी स्टूडेंट्स और को भी हेल्प हो जाएगी और अगर आप गूगल करके ख़ुद से ढूंढेंगे ना तो फिर तो आपको ये कभी नहीं बोलने वाला मैं इसलिए आपको पूछती हूँ तो चलो इसका आंसर मैं बता देती हूँ तो इंडिया में जो लार्जेस्ट थर्मल पावर स्टेशन है वो कहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए ठीक है चंद्रपुर जो है यहाँ पे इंडिया का लार्जेस्ट थर्मल पावर स्टेशन लोकेटेड है ठीक तो right है तो फिफ्टीन का ए राइट आंसर है सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डू कमेंट कि आपका फिफ्टीन में से क्या स्को रहा है एंड अगर आपको ऐसी और वीडियोज चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए हम आपके लिए जरूर और वीडियोज लाएंगे और फाइनेंस सब इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए काफी सारे टॉपिक्स जो हैं हमने ऑलरेडी कवर किए हैं तो मैं प्ले का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आप जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा